It's a Friday night. It's a party night. अबे तेरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, गर्लफ्रेंड से बाद में बात कर, पहले टीवी का आवाज बंद कर। अबे वो लोग की हाइट कैसे बढ़ गई? ट्रक के ऊपर चढ़े। मैं वही सोचूं खिड़की के सामने ऐसे कैसे दिखाई दे रहे। मम्मी ने मन्नत रखी थी आज जो हमारा काम था ना वो हो जाएगा तो ये सब वो करेंगे। अबे पैसे अटक गए थे, पैसे ओ नाम नहीं ले सकता कैमरा के सामने, बट तो वो काम हो गया ना तो इसलिए अभी नारियल फोड़ेगी और पादे का क्या बोलते वो आरती उतारे गया भगवान के सामने, ऐसा कुछ रख क्या था। नाना आने वाले थे ना, कोई ना पैसे का लोचा हो गया इसलिए नाना का कैंसिल, नानी आई। क्या हो गया? पैसा वसूल, पैसे मिलने की खुशी देखी, नारियल फूटा, क्या बोलते दिया लगाया, दिवाली का माहौल हो गया। अभी पार्टी ना, नो पार्टी चल। अरे भाई ये कौन खेलता है डार्ट? हम सब खेलते हैं हम। क्या बात है, ला मैं आ जाऊंगा। लगेगा ए मम्मी हट, मेरा अगर निशाना छूटा ना तो सीधा आप पे ऊपर हो गया। अरे वहां का जा रहा है? मैं करती हूं। रुक जा, एक 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 लास्ट बाद में। अबे मेरा निशाना बहुत गंदा है, मतलब मैं पता है बहुत टाइम बात खेली तो मेरा भी पता है। हाँ देख तेरा इधर गया ना, मेरा भी वहीं जा रहा था दोनों। हाँ तो वो हाइट और उस पे भी डिपेंड करता है ना। हाँ। तो मैं ऊपर मारूंगी तो मेरा ऊपर ही जाएगा क्योंकि मेरा हाइट नीचे है। ऊपर हो गया मेरा। भाई तुम लोग को तो सब नया नया चाहिए। ये लाइट नहीं हो रही है क्या भाई? ये उर्मी है ना, शिकायत कर रही है नानी से। मेरे साथ जो होता है ना आपके साथ भी सेम होता है, तो आप मेरी बात समझ पाओगे। छोटी सी बात थी, विनीत ने ना जो स्प्राइट कल लाए थे तो दो बोतल थी, तो विनीत ने अपना स्प्राइट पी लिया, एक स्प्राइट बचा हुआ था जिसने सोचा कल पी लूंगी, तो विनीत चोरी छुपके लेके गया नीचे और पी लिया। तो जब इसको पता चला तो अब मुंह फुला के बैठी थी, तो बिंदिया ने आके पूछा, तो बाद में बोलते ना घर में जो मच होती है थोड़ी बहुत वो हुई, और अभी नानी से शिकायत कर रही है। नहीं मेरे को जो है ना नानी को बताओगी तो समझ जाएगी कि नानी के साथ भी वैसा होता है। चल जा अभी मेरा टॉडी बना, टॉडी। तूने क्या बोला था? नानी को बताने के बाद बनेगी, जा टॉडी जा जा। मेरी बात है। अच्छा अभी खत्म नहीं हुई दुख भरी दास्तान तेरी? मतलब हम खुद के लिए बचाते और दूसरे पी जाए तो क्या मतलब? हाँ वो तो मैंने सुना लास्ट में, थोड़ी ना वापस क्या बोलते लाके देने वाले, यानी नानी तुम स्प्राइट दो वापस ऐसा नहीं, नहीं? क्या कर मालूम है, अदरक ले उसको मैच कर दे ठीक है, फिर अपना पतीला ले उसमें एक गिलास पानी डाल, उसमें दालचीनी डाल, उबालने दे तब तक। अदरक और दालचीनी साथ में उबालनी है ना? हाँ पानी में मगर। फिर एक ग्लास ले, ग्लास में नींबू निचोड़ ले और एक स्पून हनी डाल दे, और जब भी पानी उबल जाए तो चाय की तरह छान ले और ऐसा क्या बोलते हिला के मिक्स करके मुझे दे दे। ए आ गया क्या साइकिल में हवा डाल के? ब्रेक नहीं लग रही थी, हवा नहीं था टायर में। ब्रेक नहीं लग रही, क्या बात है, सही है रे, 5 रुपए में काम करके आया तू तो। हाँ काढ़ा बनाओ यार, ये दोपहर को जो खाना खाया ना बहुत हैवी हो गया, स्पेशली खीर। अबे ये दालचीनी इतनी, ए चिल्ला मत। अबे मगर देखना कितनी दालचीनी डाल दी, अदरक तो ठीक है, अबे उसको ये किया अदरक। आप ना रिजल्ट के लिए जा, देखो बैठ जाओ। टॉडी पीते और निकलते हैं मलाड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जाके दूसरे भी काम है, कोई अपना इंतज़ार कर रहा है और आज खुशी का दिन है, पता है ना क्यों? आ गया नहीं है, ये मैं भी रोज काला नमक हनी और लेमन गर्म पानी सुबह रोज। खाना खाने के बाद भी पिया करने का? हाँ 3 टाइम पीना चाहिए। फिर क्यों नहीं, पर इतना ज्यादा होएगा ना फिर वो थोड़ा लेमन से उससे प्रॉब्लम आते जॉइंट्स में, जॉइंट पेन आता है उससे। कट्टू कट एकदम, थोड़ा खाली भी नहीं रखता। अरे नहीं वो ना मैंने अंदाजे से डाला ना इसीलिए। कांच के ग्लास में जल्दी ठंडा हो जाएगा ये। अरे बाप रे बहुत गर्म है। अरे मैंने बहुत गंदा वाला उखाड़ा। गंदा वाला उखाड़ा? अरे मतलब एकदम वो बाहर है ना, तब इसको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तब जाके हवा कर दिया।
घर पे आने के बाद फैमिली देखो आराम कर रही है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिख रही है और मुझे एक काम पे लगा दिया, बोले तुझे हेल्दी खाना खाना है ना तो सलाद तू खुद काट, और ये सलाद काटने के बाद मैं वॉक पे जाने वाला हूँ तो पहले ये सलाद काट लेता हूँ। और अपना प्रोटीन पाउडर देखो वहाँ पे आ चुका है, ये देखो अवतार प्रोटीन पाउडर शेकर, और विटामिन की गोली तो पता ही आप लोगों को। तो यहाँ पे भी अपना हेल्दी डाइट चालू रहेगा, इसके लीन होना बहुत अच्छी बात है। इसको पहचान दोगे नहीं, ये मेरी वीडियो में आ चुकी है। जैसे ही मैंने बाइक पार्क की वहाँ पे और अंदर आ रहा था, बोलते ना ये लोग स्मेल लेके तुरंत मुझे पहचान गए और भाग भाग के बाहर आए। तो डॉगी देख के अगर पता ना चला मैं किधर आया हूँ तो बता दूँ, मैं आशा से मिलने आया हूँ। फिर मैं आजकल मलाड में ही रहता हूँ, तो जब मेरा खाना पीना डिनर बोलते ना हो जाता है तो मैं वॉक पे निकलता हूँ, आप लोगों को पता रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि यार वॉक साथ में कर लेंगे, ऐसे तो टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि उसके ऑफिस से मैं भागम दौड़ी करते रहता हूँ। तो मैं डिनर कर लेता हूँ, बाद में उसको कॉल करता हूँ, वॉक पे चलेगी तो बोलती है हाँ। तो उसका जस्ट ऑफिस का काम कंप्लीट हुआ है, मैं बाइक लेके सीधा इधर आ जाता हूँ, बाद में साथ में हम लोग वॉक करते हैं, आजू बाजू का थोड़ा घूम लेते हैं। तो अभी मैंने उसको कॉल किया कि मैंने बाइक पार्क कर ली है तो जल्दी नीचे आ। कब से इंतजार कर रही है मेरा, तू है जो लेट लतीफ वॉकिंग करने जा रहे हैं या पार्टी जा रहे हैं जो तू ऐसे पहन के आई है? हाँ आज फ्राइडे, व्लॉगर लोग को पता ही नहीं चलता मंडे टू संडे एक ही दिन लगता है। आशा को रात को 10 बजे दाना पानी जाना है, और भाई एक तो लड़की दूसरी भाई बोले तो फरमाइश पूरी करने को पड़ेगी, कुछ हो जाए हम लोग रात के 10 बजे दाना पानी भेजेंगे। ऐसे तो अंधेरा ही मिलने वाला है, कुछ मिलने नहीं वाला क्योंकि देखो यहाँ से इतना बाहर निकल रहा हो तो अंधेरा है, तो समुन्द्र किनारे जा रहा तो वहाँ पे तो फुल ऑन अंधेरा रहेगा। सो ये दाना पानी का लुक है, यहाँ पे कुछ कामकाज चालू है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा कामकाज चालू है, पर काफ़ी अंधेरा रहता था यहाँ पे, बट अभी लाइट लगाने लगे क्योंकि काफ़ी कपल तो बाकी बहुत सारे भी लोग ये रास्ते से आगे आगे जाते हैं, तो वहाँ पे खाना पीना रहता है। और ये देखो आशा कैसा लगा तेरे को दाना पानी आके, अभी इतने शाम से मतलब इतनी लेट रात से तो बहुत टाइम बाद आई। 11:30 बजे दाना पानी घूम के आए, तो अभी इसको लगी है भूख तो यहाँ पे मोमोज खाने की तैयारी हो रही है। 12 बज जाते तो मोमोज भी नहीं मिलते, फिर भूखे पेट सोना पड़ता, अभी मोमोज खाएगी मोमोज। कैसा लग रहा मोमोज, टेस्टी है सच में, खा ले खा ले। टेस्टी तो समझ में आया, हेल्दी कैसे? ये चावल का आटा है और स्टीम किया हुआ है। ओह तो इसलिए हेल्दी है, और अंदर भी सिर्फ पनीर और नहीं, ये मैदे का रहता है ना, चावल का रहता है, मेरे को लगा मैदा रहेगा। बेस्ट मोमोज, क्या बात कर रही है, अल्लाह मैं भी टेस्ट करता हूँ। इतना बड़ा मत दे, थोड़ा थोड़ा दे। तो मैं मोमोज खाता नहीं हूँ, यहाँ पे अभी दाना पानी गई, वहाँ से मैं घर की तरफ जा रहा था, एक मोमोज वाला दिखा तो हमने प्लान किया कि मोमोज खाते हैं, ये आटा को भूख लगी तो मैंने सिर्फ टेस्ट किया, बट सच में बताता हूँ बहुत अच्छा मोमोज है, पनीर है ना। अच्छा और खा रही है मोमोज, क्या बात है, टेस्टी है उनका। मैंने इतने जगह खाया है, हमेशा मंगाती हूँ कहीं ना कहीं से, पर यहाँ का एकदम सॉफ्ट कैसे है वो एकदम मेल्ट हो रहा है। ये लोग बोले अभी वो बोल रहे थे कि फ्री होम डिलीवरी भी देते हो ना आप, होम डिलीवरी करते हो, दे दो ना आपका कार्ड या नंबर, क्योंकि अभी वो किसी और से बात कर रहे थे, मैंने सुना ये कार्ड और ये कॉन्टेक्ट नंबर, अगर मल्लाड़ में किसी को मोमोज चाहिए तो मंगा लेना, तो टेस्ट कर लेना एक बार तो पता तो चले। तो मोमोज वाले की वहाँ पे मैं था, तो मोमोज वाले को जब पता चला कि आई एम यूट्यूबर तो नजदीक आया, और जो उसकी पूरी स्टोरी थी कि उसने मोमोज की शॉप कैसे खुली आफ्टर लॉकडाउन, तो उसने वो पूरी स्टोरी बताई तो वेरी इंस्पायरिंग, और सच बोले तो उसके मोमोज भी इतने टेस्टी थे ना, क्या बोलूँ, अगर जो कोई मलाड में रहता है तो उसके मोमोज एक बार तो टेस्ट कर लेना, मेरा एक रिस्पेक्ट भी रख लेना कि मैं बोल रहा हूँ कुछ तो वो अच्छा रहेगा तो ही बोल रहा हूँ,
तो जैसे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर और विजिटिंग कार्ड बताया था तो कॉल करके उससे मंगा लेना और टेस्ट कर लेना और बाद में मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा और मोमोज वाले को बताना कि ये वीडियो दिखा था और मैंने मंगाया। तो वो मोमोज वाले को भी लगे हाँ यार कोई एक यूट्यूबर आता और मुझे प्रमोट करके गया। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है मतलब अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेरे चैनल के नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मुझे अच्छा लगेगा। और लाइफस्टाइल ब्लॉग तो बनते ही रहेगी क्योंकि मुंबई में रहते हैं तो लाइफस्टाइल ब्लॉग ज़्यादा बनते हैं। बाकी तो हम मोटो ब्लॉग भी करते हैं और ट्रैवल ब्लॉग भी करते हैं तो वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो दिन की कोचिंग का मोटिवेटिंग एंड बी सेफ।